नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023। G20 का समापन हो चुका है, नई दिल्ली में राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी, बहुत सारे मसौदों पर काम किया गया था, लेकिन एक बड़ी बात निकलकर अपने राजस्थान के अंदर भी कुछ सम्मेलन हुए थे। जो मुख्य शहर है उनमें सम्मेलन हुए, कौन सा किस स्तर का सम्मेलन किस शहर में हुआ उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले सारे विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिव सर नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि छोटी छोटी आपको न्यूज पल भर की इस प्रकार की न्यूज आपको मिलती रही। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023। देखिए, मंत्री स्तरीय बैठक हुई, व्यापार और निवेश कार्य समय की बैठक हुई, G20 सिविल सम्मेलन हुआ था, पर्यटक एक्सपो सम्मेलन हुआ था, G20 महिला W20 सम्मेलन हुआ था, कहां कहां हुए और कितनी तारीख, क्योंकि तारीख, जिला और कौन सी बैठक, ये तीनों चीजें हमें याद रखनी है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हर एक विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंच सके। देखिए, गजब की बात, राजस्थान में आयोजित G20 सम्मेलन, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था दिसंबर के अंदर, 4 से 7 दिसंबर 2022 को आयोजन होता है G20 शेरपा सम्मेलन। और आपके पता है G20 के शेरपा कौन बने थे? अमिताभ कांत। उदयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था और ये क्वेश्चन जैसे ही फरवरी मार्च में रीट हुआ, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। उसके बाद 1 से 4 फरवरी 2023 को G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन हुआ था, यानी रोजगार से संबंधित सम्मेलन हुआ था जोधपुर में, और ये प्रश्न देखने को मिला आपको EORO के अंदर। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो अब जो एग्जाम होंगे उनमें प्रश्न पक्के आएंगे, तो एक प्रश्न पक्का यहां से आपको मिलेगा। 21 से लेकर 23 मार्च 2023 G20 सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन, इसका आयोजन उदयपुर में हुआ। नोट कर लेना क्योंकि कंफ्यूजिंग यही रहेगी, तीन ही शहरों में आयोजन हुआ, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। उसके बाद अप्रैल में हुआ, 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 महिला, यानी W20 वुमेन 20 महिला कोर का सम्मेलन हुआ, वो जयपुर के अंदर हुआ। 23 से 25 अप्रैल 2023 G20 पर्यटन एक्सपो का सम्मेलन, पर्यटन एक्सपो का आयोजन यानी पर्यटन से संबंधित हुआ जयपुर के अंदर। फिर 30 जुलाई से 1 अगस्त 2023 G20 सिविल सम्मेलन फिर जयपुर के अंदर हुआ, कहां पे? जयपुर में हुआ। फिर 21 से 22 अगस्त व्यापार और निवेश कार्य समूह है, ये जयपुर के अंदर हुआ, अभी ताजा है। और 24-25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जयपुर में हुआ, और फिर नई दिल्ली में राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होने के बाद G20 की मेजबानी समाप्त हो गई। अगली साल जो G20 सम्मेलन होगा वो कहां पे होगा? ब्राजील के अंदर होगा। अब ये G20 को छोड़कर अब ये G21 बन गया, जो अफ्रीकी समूह है, संघ है, वो भी अब इसमें इसको शामिल कर लिया गया है। तो पहले जो G20 था अब ये G21 कहलाएगा अगले साल से, क्योंकि इसमें एक संघ को और शामिल कर लिया गया है, क्योंकि 19 देश और एक यूरोपियन संघ था पहले, अब एक अफ्रीकी जो संघ है वो और मिल चुका है, तो G21 हो गया। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको यहां से पूछा जाएगा कि शेरपा उदयपुर में, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन जोधपुर में, सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप उदयपुर में, महिला कोर जयपुर में, पर्यटन एक्सपो जयपुर, G20 सिविल सम्मेलन जयपुर, व्यापार और निवेश कार्य समूह जयपुर, और मंत्री स्तरीय बैठकों का आयोजन जयपुर में। ये बहुत ही गजब के हैं, एक प्रश्न पक्का हर एग्जाम में पूछेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से राजस्थान के किस शहर में कोई भी G20 सम्मेलन नहीं हुआ? उदयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। सही जवाब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करके दोगे। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।